नमस्कार glibz.in में आपका स्वागत है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में फेक न्यूज से बचने के लिए कुछ फीचर्स लाए हैं। फुल पेज विज्ञापन देकर भी लोगों को गलत जानकारियों से बचने के लिए तरीके बताए गए हैं। अब व्हाट्सएप एक नए फीचर के टेस्टिंग कर रही है, जिसके तहत फॉरवर्ड किए गए मैसेज को लिमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। व्हाट्सएप के मुताबिक कंपनी फॉरवर्ड किए गए मैसेज को लिमिट करने का यह फीचर सभी यूजर्स को देगी। यह खासकर भारत के लिए होगा, क्योंकि हाल ही में व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज की वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई है। व्हाट्सएप ने कहा है कि एक बार में 5 चैट्स ही फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। इसके साथ ही मीडिया मैसेज के पाथ से क्विक फॉरवर्ड बटन हटाया जाएगा। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मैसेज, फोटोज और वीडियोस फॉरवर्ड किए जाते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप में एक मैसेज को सिलेक्ट करके कई लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। भारत में व्हाट्सएप के 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और जाहिर व्हाट्सएप के पेरेंट्स कंपनी फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण और बड़ा बाजार है। सरकार ने भी व्हाट्सएप को फेक न्यूज से निपटने के लिए नोटिस भेजा है, इसलिए व्हाट्सएप लगातार इस कोशिश में है कि फॉरवर्ड मैसेज पर लगाम लगाए। व्हाट्सएप ने हाल ही में लेबल की शुरुआत की है। ये लेबल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए मैसेज में दिखते हैं। इससे दूसरे यूजर को यह पता चलता है कि भेजा गया मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप को दूसरा लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कंपनी ऐसे कारगर उपाय लाए जो कानून का पालन करते हैं। For more information, log on to www.glibz.in.